स्वयं मैं ट्राइंग टू बी द नॉर्मलेस्ट प्लेयर इन दिस एसएमपी, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई डेडलीस्ट प्लेयर बनना चाहता है, तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मलेस्ट प्लेयर बन के थोड़ी शांति पाऊँ। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। आप देखो, जब से मैंने एसएमपी ज्वाइन किया था, मैं बस एक बंदे को फॉलो कर रहा था, गेम सीगल, और मेरे को उसका हार्ट चाहिए था, क्योंकि मेरे को उसने पिछली बारी एक ब्रूटल तरीके से मार दिया था, वो भी वन हिट की स्वॉट से। बट यहाँ पे मैं अपने चैलेंज के रूल के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि एक नॉर्मली पीसफुल प्लेयर किसी को मारता नहीं है कभी, और मैं वही करने जा रहा था, अपने दुश्मन का कत्ल। उसको मारने के बाद मेरे को एक सुकून मिला, तो मैंने उसे दोबारा से मार दिया। एंड नाउ आप देखो, यहाँ पे एक दिक्कत आने वाली थी। यू सी, ये एक हेल्थ स्टील प्लस लाइफ स्टील एसएमपी है, और आपको तो पता ही होगा कि इस एसएमपी में क्या होता है। एंड मेरा चैलेंज था इस एसएमपी में शांत से रहना, बट वो तो शायद उल्टा ही जाने वाला था। देन मैं इस सब चीज़ों को इग्नोर करके ग्राइंडिंग करने चालू कर दिया, और काफ़ी देर तक मैं शांत भी रहा, करीब एक दो दिन तक। बट फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। विश्ट भाई, क्या होगा अगर मैं इस बेस को फोड़ दूं? भाई मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, तू बिट्रे ना कर दे बस मेरे को भाई। अरे डरो मत भाई, मैं फोड़ने वाला हूँ बस, और कुछ नहीं करूंगा। वेट अ सेकंड एंग्री, तू इस एसएमपी को डोमिनेट करेगा कि नहीं भाई? हर एसएमपी में ज्यादा बोलता है डोमिनेट करूंगा भाई, बट इस एसएमपी में क्या हो गया? नहीं करेगा क्या डोमिनेट? डर गया क्या भाई? देखो डोमिनेट तो नहीं कर रहा है, मैं अभी अपने चैलेंज पर फोकस कर रहा हूं, सो प्लीज मेरे को ल्यूर मत करना ऐसा। स्वयं पे इस बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा ल्यूर कर दिया था, एंड मैं अपने चैलेंज को भी भूल चुका था। फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया। तुम्हें पता भी है कहाँ खड़े हो तुम? तुम्हारे खुद के बेस में, और तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बेस में क्या क्या छुपा हुआ है अभी। हो सकता है TNT हो सकता है कुछ और ही हो, जिससे एक झटके में तुम्हारा बेस भी फूट जाएगा। यस, यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा शैतानी आ चुकी थी, और हर एक बंदे को बिट्रे करने की सोच रहा था। बट स्टिल फिर भी मैंने अपने आप को मैनेज किया, एंड मैं शांत हो गया। स्टोरी तो ऐसे बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा प्रो हूँ। एंड देन थोड़ी देर बाद चीनू गेमर्स मेरे को स्पॉन भी बुलाता है, और कुछ ऐसा होता है। हेलो हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल ब्रो? हेलो 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 एंग्री भाई, क्या है भाई? हेलो, ये देखो भाई, द मैजिक शो क्या होगा यहाँ पे? This is not a normal show. It's a trap. By the way, guys, wait. आगे जाने से पहले, this video is sponsored by Angry Pie Channel. हाँ, Angry Pie ने मेरे को पैसे दिया है चैनल को प्रमोट करने के लिए, एंड उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, एंड लाइक जो भी बटन है सारे बटन को दबा देना है, डिसलाइक को छोड़ के। वो भाई क्या ही ट्रैप बना है यार, मस्त है। यहाँ पे चीनू गेमर ने स्पॉन पे एक ट्रैप बनाया था मैजिक शो के नाम पे, एंड वो चाहता था कि मैं वहाँ पे ऊपर बैठूँ और जो भी बंदे यहाँ पे आएंगे उनको सीधा मार दो। बट स्टिल ये मेरे चैलेंज के अगेंस्ट था, तो मैंने इसको भी मना कर दिया। देख रहे हो ना कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं। फाइनली MVP सबसे शांतिप्रिय और सामान्य खिलाड़ी बन गए। यहाँ तक अपनी कहानी में भी उन्हें सबसे घातक होने से बहुत कुछ सहना पड़ा। तो अलविदा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। ए, वेट, तुझे क्या लगा मेरा वीडियो ऐसा एंडिंग होगा? एडिटर गाना बजा।